जय श्री कृष्ण गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी मंदिर, सोमवार का व्रत है हमारा। और ना मैंने पकड़ ली है मेरी थैली, देखिए मैं आपको, इसने पकड़ ली मेरी थैली, इसमें फूल है, आंकड़ा है और पूजा की सब वो डब्बी है, माचिस है और डोली है। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मैंने पहनी ब्लू रंग की साड़ी क्योंकि महादेव का रंग ब्लू होता है, तो इसलिए ब्लू साड़ी पहन रखी है मैंने। अब प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि ब्लू साड़ी नहीं पहनते हैं, प्लीज़ यार। हाथ पकड़ लूँ, गाड़ी आ रही है। सो गाइस फाइनली नमे की परछाई मेरे तक पहुँचने लगी है, बहुत जल्दी लंबा हो जाएगा मेरे जितना हो जाएगा। बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, पता नहीं चलता कब इतना बड़ा हो गया है। छोटू सा था ये, ओ गॉड क्यों कर रहा है, ओ गॉड वाली तो कोई चीज़ ही नहीं, मिट्टी है तो बारिश होती तो गीली तो होगी, तो ये कह रहा है ओ गॉड। तो आज मंदिर में कोई भी नहीं है फाइनली। चलो 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 चलो, देख तो ख्वाब हो गया। हाँ बेटा ख्वाब हो गया। तो ये हमने लगा दी है कुंडी और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो ये पर्दा खुल गया, तो पहले मैं इसे बांधती हूँ, फिक्स करती हूँ, उसके बाद फिर करेंगे पूजा। वो दिखाते हैं महादेव जी का मंदिर। नमे चप्पल खोल लो बेटा। मैंने यहाँ खोलती है चप्पलें और मैं यहाँ से ले लेती हूँ उससे पहले तो ये बेल पत्थर, देखना पड़ेगा जो कटा वटा ना हो। तो फाइनली गाइस मेरे को एक बेल पत्थर मिल गया है जो बिल्कुल कटा हुआ नहीं है। चलो चलो, वो बेटा खड्डा है, चलते हैं मंदिर में पहले सामान को रख के। पहले चप्पलें खोल लो ना, मैं चप्पलें खोल लो, ये मेरे को पकड़ाओ, ये मेरे को पकड़ाओ, चप्पलें खोलो, लो खोल दो। चलो चलो ये वाला भी खोलो। क्या कर रहे है ना मैं यार तू। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर में, पर मंदिर आज बहुत ज्यादा गंदा सा हो रहा है तो सफाई करनी पड़ेगी, पहले सफाई कर लेती हूँ मैं। जटा घटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल लाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा मचाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ही। सो गाइस फाइनली मेरी सफाई हो गई है और अब हम कर लेंगे पूजा। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। और हाँ मैंने कलश में पानी, मैंने इसमें पानी भर दिया है। ना मैं बेटा गीला तो हो रहा है पर यहीं बैठ जाओ। तो ये मेरे पूजा का लोटा मैं ले लेती हूँ पहले, इसको यहाँ रख देते हैं। और ये चंदन का और एक दीपक। तो चलिए गाइस, ना मैं बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा, ये दिखाओ पहले, ये दिखाओ मेरे को, पीछे हो जाओ थोड़ा, पीछे होके बैठो, रुक जा ना, तू चढ़ा तू ही कर लियो बस। तुम्हें लाई थी सफेद आंकड़ा फूल, तो पहले पूजा करते हैं, कहीं बाद में बात करते हैं। गाइस फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने इस पर चढ़ा दिए बेल पत्थर और सफ़ेद आंकड़ा और चंदन का तिलक भी कर दिया है। तो अब चलते हैं घर। सो गाइस हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट, हम दोनों जा रहे हैं वापस घर। तो इसमें दीदी जैसे पकड़ रखी मेरी थैली को, हमेशा यही संभालता है। तो चलते हैं घर पर। सो गाइस मैं ऑफिस आ गई थी, उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था, तो मैं चुपती और मैं बाइक पर आई थी उसमें ब्लॉग नहीं कर पाई। और न मैं को घर पर छोड़ दिया था हमने, और यहाँ पे मैम को नहीं दिखाना है अभी क्योंकि अलाउड नहीं करती है, लेकिन मैम ने एक बहुत गंदा सीन कर दिया मेरे साथ ही। देखिए मेरी चाय का पूरा कप भर दिया है और इनका कप मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार, चाय की बेल की ज़्यादा पड़ रहा है इनका कप। देखिए इन्होंने अपनी चाय मेरी बढ़ा दी क्योंकि आज हमारी चाय बहुत लेट आई है, 12 बजे चाय थी पर बहुत लेट कर दी है, पहले चाय पीने दी मेरा बताया और ज़रा बोलना नहीं है मेरे को क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी और फिर लेट हो जाऊंगी, 12 बजने वाले हैं, खाना भी खाना है। ठीक है दिखा दूँ आपको, आपको दिखा दूँ मैम का हाथ।
सो हेलो गाइस, 5 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ घर पे। और ना मैं अभी सो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे बाल निकल रहे हैं पीछे से क्योंकि मैंने क्लिप खोल लिया। मैं भी लहसुन छील रही है। नहीं नहीं देखो, कितने छोटे छोटे से लहसुन है, छोटे छोटे से, छोटे छोटे से, कितने छोटे की साइज होता है क्या लहसुनों का, बच्चे ही तो लहसुन के। और ये बच्चा ही सो रहा है। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मेरे फेवरेट राजमा चावल। मेरे फेवरेट है राजमा, तो मम्मी कह रही है खावड़ी है, तो मैं खावड़ी हूँ राजमा के मामले में, तो खावड़ी हूँ गाइस मैं। और मेरा प्रतिक्रिया तो जल्दी से पहले राजमा चावल बना लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। और ना मेरे को भी उठाना है वरना रात से तंग करेगा ये। मैं बना रही हूँ राजमा, तो उसका मसाला पीसूंगी। है एक तो इसके ऊपर लगता है और एक ये लगता है, एक ये लगता है इसका ढक्कन का लॉक वाला, इसको लॉक करते हैं जो ये ढक्कन। इसको तो मैंने कहा, मैं तो हमेशा लॉक लगा के रखती हूँ, मैंने तो कभी लॉक खोला ही नहीं है। उस छाड़ा पे खोल नहीं देते इसको लॉक को, कि इसका कैसे खुलेगा। तो उन्होंने कहा रखा है फिर, या तो उसमें ऐसे पटक दिया होगा इन्होंने। अरे ये नहीं, ढक्कन की बोल रही, लॉक की। हाँ तो फिर गिराया होगा, मैं तो इसको यूज में लेती नहीं यार, मैं तो यूज में लेती नहीं छाड़ा पे यूज करते हूँ मिक्सी को। तब कितना टाइम हो गया, मैंने तो उसको यूज ही नहीं करा मिक्सी को, तो मेरे तो काम ही नहीं आती यार अब। दो बार तीन बार जब भी बनाया है मतलब। रेडी, अब पीसेंगे प्याज। ऐसे मैंने डाल दिए प्याज, तो अब इसको ही पीस लेते हैं। तो ये प्याज भी हो गई, उसको भी पीस लेते हैं। तो ये हो गया है टमाटर बनके। मैंने ले लिया है साबुत खड़ा मसाला, इसमें है लौंग, मोटी इलायची, जीरा, दालचीनी और कड़ी पत्ता, आई मीन तेज पत्ता। तो इसको अब मैं, तेल हो गया गर्म, तेल में डालते हैं इसको। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं। इतने ही होता है, मैं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लेके आती हूँ फटाफट जाके। तो अब मैं इसमें ये डाल दूँगी, ये रहा मेरा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक का। तो अब इसको डालेंगे तेल के अंदर। तो ये डालने के बाद अब मैं लेके आती हूँ प्याज और मसाला भून के फिर बनाएंगे सब्जी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मैं पहले देख लेती हूँ सब्जी खराब हो जाएगी तो मेरी। मैंने ये मसाला डाल दिया है, तो अब इसको पकने देते हैं। ये बन गया मेरा मसाला, हो गया रेडी। तो इसमें डालेंगे राजमा, और आँख में लग गया धुआं। मेरी मम्मी की दवाई है कल की। तो मम्मी, मेरे दो गाइस पूछ रहे थे आपको क्या हुआ, तो बता दो क्या हुआ था कल। कल क्या हुआ था मैंने पूरा नहीं बताया, सीख रहा था मम्मी के दर्द। तो क्या हुआ था आपको, आप बताओ। तो गाइस, मम्मी हल्की सी गैस बन गई थी और कुछ भी नहीं हुआ था। और गैस, आपको पता है जब गैस घूमती है तो बहुत बुरी तरह दर्द करती है, तो बस इसलिए दिखाना पड़ा हॉस्पिटल में। आप सहन शक्ति नहीं रही, मम्मी का कहना ऐसा है, मम्मी की उम्र हो गई हो। नहीं आज मैं खाएगा, निकालूं खाएगा वो तेल निकाल दूं मैं। तो गाइस सब्जियां कह रही हूँ, सब्जी हो गई मेरी यहाँ पे राजमा, और ये मैंने बाटी को गोल गोल बना दिए। तो ये बाटी मम्मी पटक दी है, और इतने में जाके बना लेती हूँ चावल और फिर धोएंगे बर्तन, और आज खाएंगे राजमा चावल। और अभी मैं जाऊँगी दही लेने, तो मम्मी को बताया नहीं अभी, और दही का रायता ही बनाएंगे फिर। मैं जा रही हूँ अभी लेने के लिए दही, रायता बनाने के लिए, और नमे को चकमा दे के निकली हूँ मोगली चला के। तो मोगली देखते हैं, तो दही लेके आते हैं। ये मैं लेके आ गई हूँ, तो अभी इसका रायता बना लेते पहले। ये है मेरी दही, तो अब हम खीरा वीरा डाल के प्याज काट के इसका बना लेते हैं रायता। तो गैस में थोड़ा सा डाल दूँगी गैस मसाला। फाइनली मेरा रायता बन के हो चुका है रेडी, तो अब मैं इसको लगा देती हूँ फ्रिज में। मैंने इसमें काट कर डाला है खीरा और प्याज, तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, गर्मी में खाने के लिए बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी होता है। तो मैं चावल ला के फटाफट से ला दो। तो मैंने तो मान ली है, थोड़ा सा समय को देना पड़ेगा, ये मान ही नहीं है, इसको खाना है। ये लो। और गाइस ये चावल देखिए, मेरे चावल थोड़े से जल गए वीडियो बनाने के चक्कर में,
आज मम्मी से पड़ गई मेरे को डांट क्योंकि चावल जला दिए मैंने इस छोरे के चक्कर में। ये वीडियो बना रहा था मम्मा और वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, चावल जल गए ना अब तू ही खा के चले हुए चावल। तो अब हम खोल लेते हैं व्रत। मम्मी ने कर लिया इधर पूजा। मम्मी ले आओ खाना, होगी बाटिया? हाँ बाटी से निकालो उसने, चावल मैं चढ़ा दूँ भाई ना मैं गिर जाएगा। सो गाइस मैंने भी चढ़ा दिए भगवान जी को ये चावल, तो चलिए भोग लगाते हैं उसके बाद फिर हम भी खाएंगे। क्या काट लिया चींटियों ने? गाइस मम्मी ने सुबह बनाई थी दाल और बाटी, तो मैं उसको गर्म कर रही हूँ और ये देखिए कितने सारे चावल जल गए मेरे। तो होता है मेरे चावल वेस्ट होते हैं, तो मैंने चावल इसमें निकाल दिए। हाँ बन गई है बाटिया, मम्मी ने इसको चिपड़ दिया है और ये इसमें दाल बाटी और ये हमारे राजमा और ये चावल और ये भोग वाले चावल और इसमें है दही वाला रायता। तो अब हम लोग कर लेते हैं भोजन। थाली लिया है क्या मम्मी? कहे नहीं लाए ना। तो अभी हम लोग खाना खा लेते, ये लो आ जाना, और पानी की बोतलें भी ले लेते हैं। लो पकड़ो ये पानी और छाछ तो चाहिए नहीं, नमक लिया हूँ काला। तेरी मेरी थाली तो उसको भर देते हम। तो गाइस ये लग गया मेरा खाना, राजमा चावल दही और ये बाटी। तो मैं व्रत खोल लेती हूँ और ये भूख के चावल तो थोड़ा से ले लेते हैं व्रत खोलने के लिए, फिर ये नमक को खिला देंगे। तो गाइस फाइनली हमने खाना खा लिया और मेरा व्रत खुल गया। तो गाइस सीरियसली सुबह से व्रत रखो और भूखे रहो, सॉरी भगवान जी माफ करना, और रात को अपना फेवरेट खाना मिले मज़ा ही आ जाता है। तो रात में चावल और रायता मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे पसंद है, तो खा के मज़ा आ गया, टमी फुल हो गई और बहुत मज़ा आया बनाने में भी और खाने में। मुझे बनाना खाना मतलब खाना बनाना मुझे बहुत 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 पसंद है और लोगों को खिलाना, लेकिन खाना मुझे बनाना तब तक पसंद है जब लोग उसे खाना पसंद करते हो। जो लोग खा के कमियाँ निकालते हैं फिर मुझे वो लोग पसंद नहीं है। तो अगर मैं कुछ बनाऊँ तो प्लीज़ चुपचाप खा लिया करो बिना कमियाँ निकाले। तो गाइस अभी मैं जाती हूँ और जाके धो लेती हूँ थोड़े से बर्तन जो कि खाना खाने के बचते हैं। तो देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए इधर कोने में, और जब मम्मी और हमें पता नहीं बाहर क्या ही कर रहे हैं। तो चलिए व्लॉगिंग तो होती रहेगी, तो पहले बर्तन धो लेते हैं देन उसके बाद करेंगे। और ये बच गया है हमारा खाना चावल, ये रात में मैंने सीमेंट के रख दिए हैं। हाँ जी, और ये दही रायता। क्या आओ कहाँ आऊँ तो पता नहीं है मुझे कहाँ लेके जा रहा है। अच्छा आ जाओ आ जाओ। तो अब बारी है नमक मुँह धोने की, तो थोड़ा सा उसका मुँह साफ कर देती हूँ। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वाह मैं जा रही दुकान पे, मैं ऑफिस जा रही, फिर मम्मी ऑफिस जा रही हूँ मैं, तो इधर आओ फिर, समझ में नहीं आ रहा, मुँह साफ कराओ। चलो तो गाइस अब हम कर लेते हैं ये वाले बर्तन। और ये मेरी साड़ी थी, इसको मैंने तो सुखाया नहीं है, उसको सुखा भी देती हूँ वरना स्थल बेटे पड़ जाएगी। तो बहुत सारा काम होता है मेरे को। तो चलिए आईफोन को रख के आते हैं, फिर आपसे दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को स्किप मत करिएगा। तो गाइस दिन के साथ साथ मेरा काम भी हो चुका है खत्म, तो उसके साथ हम करते हैं ब्लॉग को भी यहीं पर ही खत्म। सो आई होप आप लोगों को मेरी जानकारी वैसे भी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो गाइस चला बाय बाय, गुड नाइट, मिल जाती है, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए मज़ेदार धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, मेरे ब्लॉग का वेट करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, शुक्रिया।